बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी बेटा हम बात करने लगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की प्रैक्टिस की। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आजकल के मुताबिक जो 20 नंबर टॉपिक है बीपीपी की किट पे, इसे जरा देखिए कि कैसे होता है। इसमें फोकस क्वेश्चन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डिटेल ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, क्लोजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा परसेंटेज ऑफ सेल, सेल बेस्ड जो जीपी होता है या प्रॉफिट होता है उसे मार्जिन कहते हैं। अगर आप सेल हो, अगर आप कॉस्ट हो तो उसे मार्कअप कहते हैं। बेस्ड ऑन दिस फिगर व्हाट इज द सेल रेवेन्यू। ये किसी क्वेश्चन में मार्कअप मार्जिन आपके पेपर में आपके लेवल पे आ जाए तो एक पैटर्न बेटा जो है वो याद रखिएगा कि सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ये जीपी होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। ये ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज आपस में ऐड होती है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ सेल होती है। ये पैटर्न सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, इस तरह के क्वेश्चन के लिए याद रखें। अब वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल 40। अब ग्रॉस प्रॉफिट 40 है एज परसेंटेज ऑफ सेल, सेल बेस है जो मार्जिन होता है उसमें सेल 100%, यानी जो चीज बेस हो वो 100 होती है, 100%। कॉस्ट ऑफ सेल ने क्योंकि माइनस होके ये फिगर बनता है तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर 100 माइनस 40 करें तो वो 60 बनती है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा आपकी 386,200 की है और परचेजेस 989,000 की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 422,700 की है। आप बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज 386,200 प्लस 989,000 माइनस 422,700, ये कॉस्ट ऑफ सेल आपकी आई 952,500, क्योंकि इधर मिसिंग फिगर कोई नहीं था बेटा, सारे फिगर कंप्लीट थे। तो क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता है जहां पे मिसिंग फिगर है ना। तो 952,500 ये कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल 60 के है, 60 पे डिवाइड की रिक्वायरमेंट हमारी रेवेन्यू कैलकुलेट करने की वो इक्वल 100 की जो रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका फिगर आ गया जी 1,587,500, 1,587। तो ये इसको करने का तरीका, आगे क्वेश्चन आते जाएंगे प्रैक्टिस होती चली जाएगी। विच ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशन कुड प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल फिगर फॉर नेट प्रॉफिट। फर्स्ट
फॉर द पीरियड। देखें ये नेट प्रॉफिट फाइंड करना, नेट एसेट दिए हैं, ओपनिंग नेट एसेट, नेट एसेट मीन्स कैपिटल, क्योंकि नेट एसेट इक्वल टू कैपिटल होता है, इक्विटी होता है। तो बेटा जब नेट प्रॉफिट की इक्वेशन पूछ रहे तो वैसे आपको पता है जो बिजनेस इक्वेशन होती है, बिजनेस इक्वेशन ये कहती है कि ओपनिंग नेट एसेट या कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, लॉस हो तो लेस हो जाता है, तो इक्वल ये क्लोजिंग कैपिटल के होता है, क्लोजिंग नेट एसेट के इक्वल होता है। याद रखिएगा कि अगर प्रॉफिट इक्वेशन पूछे तो आपने रिवर्स लेना है क्लोजिंग नेट प्रॉफिट से, यानी क्लोजिंग नेट एसेट। जब रिवर्स लेंगे तो प्लस वाला फिगर माइनस और माइनस वाला फिगर प्लस होता जाएगा, ये भी तो आपका मिसिंग फिगर पॉइंट हो जाएगा, यानी क्लोजिंग से आपने स्टार्ट करना। अब क्लोजिंग नेट एसेट प्लस कहता है ड्राइंग, हाँ जी ऊपर से आते ड्राइंग लेस होती है, नीचे से जाते प्लस होती है, ये बात ठीक है। माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस, हाँ जी माइनस एडिशनल कैपिटल ने होना था, माइनस ओपनिंग नेट एसेट तो ओपनिंग नेट एसेट ने भी माइनस होना था, तो पहली बात टैली कर गई, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट देखें जी, अज्यूमिंग द क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल फिगर इज करेक्ट, हाउ मच कैश कुड बी सेल असिस्टेंट हैव टेकन। ये सेल असिस्टेंट जो है उसने कैश में इंबेजलमेंट किया, वो कितना कैश उसने इंबेजल किया, यानी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से पर्सनल यूज में लेके गया। यहाँ पे देखें वो इस सेल ट्रेडर फिक्स हिज प्राइसेस टू अचीव सेल, सोल ट्रेडर फिक्स हिज प्राइसेस टू अचीव ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल 40%, परसेंटेज ऑन सेल है तो इसका मतलब मार्जिन। All his sale for cash. He suspect that one of the sale assistant is stealing cash from the revenue. उसे है कि एक sale assistant ने revenue में steal किया। देखिए बन्नी equation बेटा वही है। Sale less cost of sale GP. Opening plus purchase. लेस क्लोजिंग, ये उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है। अब यहां पे देखें, पहले तो ये मार्जिन बना लेना क्वेश्चन, मार्जिन मार्कअप दिया 40% जो है वो मार्जिन है, अगर जीपी 40 है तो सेल 100 है, तो इनका बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ सेल 60 है, ये एक मतलब आप बना लिया करें क्वेश्चन होती है। अब ये कि इसमें रिकॉर्डेड सेल रेवेन्यू 1,600 है, ये रिकॉर्डेड है, ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं, क्लोजिंग कोई नहीं, उसने कास्ट ऑफ सेल दी है 1,14,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट भी दी है। अब ये कि बेटे कास्ट ऑफ सेल वो कहता है अज्यूम ठीक है,
तो यहाँ पे करना क्या होता है, अगर सेल में फ्रॉड हुआ हो, कैश का फ्रॉड, कैश स्टीलिंग हुई हो, तो कॉस्ट ऑफ सेल को आपने लेना है, कॉस्ट ऑफ सेल की परसेंट कितनी बनती है, 60। ये अज्यूम ठीक है, 60%। तो सेल कितनी होनी चाहिए थी, ये जो हम इससे निकालते हैं, इसे प्रोजेक्टेड सेल कहते हैं, प्रोजेक्टेड फिगर, 114,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 100। इस हिसाब से बेटा सेल होनी चाहिए थी 190,000, जबकि रिकॉर्डेड कितनी है, 181,600। तो दोनों का डिफरेंस 181,600, दोनों का डिफरेंस 8,400 आता है। 8,400 जो है वो इसका मतलब उसने फ्रॉड किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुने मेरी बात, क्योंकि इस क्वेश्चन का मैं कंपैरिजन देता हूँ आपको। ये सेल में फ्रॉड हुआ, एक कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, तो सॉरी एक सेल वैल्यू गिवन है, दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल से आपने फिर सेल वैल्यू निकालनी है, दोनों सेल वैल्यू को मैच करना है। इसको मैच करना है सेल वैल्यू को, कि एक्चुअल रिकॉर्डेड फिगर और प्रोजेक्टेड फिगर दोनों सेल वैल्यू का डिफरेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल है। दो टाइम आपको सेल वैल्यू चाहिए अगर सेल में फ्रॉड आपने देखा। लेकिन इसके कंपैरिजन में आपको इस तरह की बात की समझ आएगी मेरी। इसके कंपैरिजन में एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ट्वेंटी पॉइंट सिक्स, बट इन्वेंट्री लॉस, वो लॉस था सेल का, अब लॉस है इन्वेंट्री का। ठीक, सेल का लॉस हुआ ना सेल का, तो आपको डबल सेल वैल्यू चाहिए, एक अवेलेबल होगी और दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल को चेंज करके आप सेल वैल्यू, दोनों सेल वैल्यू का डिफरेंस। और अगर एग्जामिनर इन्वेंट्री का लॉस पूछे तो आपको दो कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, एक कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल होगी, देखिए ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, एक कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है और दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल आप सेल फिगर से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें, उसे प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। दो कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस जो है वो इन्वेंट्री लॉस। अब रिवर्स एक किस्म का चीज, थोड़ा सा देखिए यहां पे, एक सोल ट्रेडर फिक्स हर प्राइसेस बाय एडिंग 50% ऑन 50% टू कास्ट ऑफ ऑल गुड्स परचेज, वो कास्ट का 50% लेता है। पहले इक्वेशन बनाए, सेल माइनस कास्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लेता है 50, लेकिन कास्ट का, अब कास्ट बेस ऐसे मार्कअप कहते हैं, तो सेल वापस जो है वो ज्यादा वैल्यू होती है, तो 50 माइनस प्लस 100, 150 सेल। ये क्वेश्चन जब ड्रा हो जाएगी, अब सेल वैल्यू गिवन है 281,250,
सेल की परसेंटेज कितनी है? 150। कन्वर्ट हमें करना चाहते हैं कास्ट में, क्योंकि दो कास्ट वैल्यू चाहिए इन्वेंट्री के लास्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो 281, 250 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई 100, इस तरह कास्ट ऑफ सेल आती है 187,500। और पहले कितनी कैलकुलेटेड है, रिकॉर्डेड फिगर कास्ट ऑफ सेल की कितनी है? 228,200। इन दोनों का डिफरेंस, दो कास्ट ऑफ सेल का डिफरेंस -228,200 40,700 आता है, 40,700 ये लॉस ऑफ इन्वेंट्री। कि अगर वो कहे कि इन्वेंट्री का लॉस कितना, तो आपको दो कास्ट ऑफ सेल चाहिए, और अगर वो कहे सेल में लॉस कितना, तो आपको दो सेल वैल्यू चाहिए। ये बात नहीं बेटा भूल, क्योंकि दोनों में से कोई क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। फिर कुछ डाटा अवेलेबल है, 24 से 25 क्वेश्चन इससे है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन व्हाट शुड बी द फिगर फॉर सेल रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेल रेवेन्यू या फिर रिसीवेबल का बैलेंस दिया है कि रिसीवेबल 1 दिसंबर 2002 पे कितने, हमने कब पे बताना, 30 नवंबर 2003 ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल का दिया। मैंने आपसे एक बार बार कहा है कि जिस चीज का ओपनिंग बैलेंस दिया हो उसका टी अकाउंट बनाएंगे, उसका लेजर बनाएंगे, तो उससे मिसिंग फिगर तलाश हो जाएगी। अब ये रिसीवेबल का है, जिस चीज का ओपनिंग बैलेंस दिया हो उसका टी अकाउंट बेटा फर्ज होता है। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस 130, ठीक। ओपनिंग बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड पे होता है, एसेट है। पेबल, पेबल का रिसीवेबल से कोई तल्लक नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 687,800। कैश रिसीव रिसीवेबल को कम करता है, जो चीजें रिसीवेबल को ज्यादा करेंगी डेबिट साइड। कैश पेड टू सप्लायर पेबल का डिस्काउंट रिसीव पेबल पे होते हैं। इररिकवरेबल डेट बैड डेट रिसीवेबल में से होते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हु इज आल्सो ए सप्लायर ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है हमने कॉन्ट्रा कर लिया कि जिसके देने थे उससे लेने भी थे, तो 2000 का कॉन्ट्रा कर लिया, रिसीवेबल भी कम और पेबल भी कम। ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 181,000, क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड पे शो हो जाता है डेबिट, लेकिन शो कहाँ पे होगा, क्रेडिट। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हमेशा बेटा कैरी डाउन कैरी फॉरवर्ड अपोजिट साइड पे होता है, कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट साइड पे शो होगा। तो यहाँ पे फिगर देख लें कि 687,800 प्लस 4160 प्लस 2000 प्लस 181,000 माइनस करें 130, तो ये 744,960 आता है, क्योंकि क्रेडिट सेल बेटा होती ही इस साइड पे है।
ये सेल का फिगर इसी साइड पे होता है तो एक बैलेंस भी इसी साइड पे आएगा। इस तरह दोबारा इस चीज को देखें, क्योंकि अगले इसी क्वेश्चन में उसने आपसे कह दिया, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन व्हाट फिगर शुड बी इन स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर परचेज। तो पेबल का भी क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो जहां पे रिसीवेबल का अकाउंट बनाया वहां पे पेबल का अकाउंट भी बना लेंगे। इसका अकाउंट बना लेंगे पेबल का। ये रिसीवेबल की निस्बत रिवर्स होता है कि अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। क्योंकि पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया 60, ओपनिंग बैलेंस पेबल लाइबिलिटी या क्रेडिट हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर वो तो रिसीवेबल से तल्लक है। कैश पे टू सप्लायर 302 800 डिस्काउंट रिसीव, हाँ जी सप्लायर से करते हैं 2960 डिस्काउंट लिया इनसे। डिस्काउंट अलाउ हो तो वो रिसीवेबल का होता है, डिस्काउंट रिसीवेबल हो तो रिसीव हो तो वो पेएबल का होता है। इरिकवरेबल डेट उसका तल्लक तो बैड डेट रिसीवेबल से, ये अलबत्ता कॉन्ट्रा जो 2000 किया था ये रिसीवेबल के अकाउंट में भी आया और पेएबल के अकाउंट में भी आया, क्योंकि दोनों अकाउंट कॉन्ट्रा से कम हो जाते। ट्रेड पेएबल का एंडिंग बैलेंस 84,000 क्लोजिंग, मिसिंग फिगर आ जाएगा आपका जो भी है के 302800 प्लस 2960 प्लस 2000 प्लस 84,000 माइनस इसमें से किया 60,000 तो 331760 331760 आ गया बैलेंस। फिर देखते हैं जी क्या कहता है शायर हमें मजीद। ये बड़ा बिट पेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लॉस, यहाँ पे भी इन्वेंट्री लॉस, इन्वेंट्री लॉस मैंने कहा पूछे तो आपको डबल कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। एक ले लेनी आपने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, और दूसरी सेल पे मार्कअप मार्जिन अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखें ओपनिंग इन्वेंट्री 318,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 318,000 है, परचेज 412,000 है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 214 है, ये हमारी आ गई जी कॉस्ट ऑफ सेल 318 प्लस 412 माइनस 214 516,000 की कॉस्ट ऑफ सेल आती है इस तरीके से। और दूसरा मार्जिन मार्कअप का मेथड है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट
अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको दी होगी, जैसे स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल, इसका मतलब मार्जिन 25 है। अगर मार्जिन 25 है तो इसका मतलब सेल 100 है, ऑन बेस सेल है, तो दरमियान में कॉस्ट ऑफ सेल 75। अब बेटा सेल का फिगर दिया होगा 6 12,000, सेल की परसेंटेज पे डिवाइड करें, कॉस्ट ऑफ सेल हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि दो कॉस्ट ऑफ सेल का कंपैरिजन। ये आ गई जी 459,000, एक कास्ट ऑफ सेल इस तरीके से आई, दूसरी ये आरडी है 516,000, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इन्वेंट्री आ जाएगी, इन्वेंट्री लॉस आ जाएगा, 57,000 का इन्वेंट्री का लॉस हुआ। फिर देखें व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या, ए बिजनेस बैंक बैलेंस इंक्रीज बाय 750,000। बैंक बैलेंस इंक्रीज का मतलब कैश इंक्रीज हुआ 750,000 से। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इट इशू शेयर 1,000,000, री पेड लोन 750,000, इट परचेज नॉन करंट एसेट फॉर इतना, चार्ज डेप्रिसिएशन इतनी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज 575,000। इस लेवल पे आपने अभी बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है प्रॉफिट से, और प्रॉफिट से हम निकालते होते हैं कैश। जब ये एमसीक्यू पे निशान लगा लीजिएगा, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर आके इस एमसीक्यू को करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब बिजनेस का बैंक बैलेंस 750,000 से इंक्रीज हुआ, ड्यूरिंग सेम पीरियड इट इशू शेयर 1,000,000, 1,000,000 के शेयर उसने इशू किए, 1,000,000 60 होते, कैश पॉजिटिव है, पेड लोन 750, लोन रिपे किया 750, कैश नेगेटिव पेमेंट है, इट परचेज नॉन करंट एसेट 2,000,000, 200,000 सॉरी, नॉन करंट एसेट पे परचेज किया, कैश आउटफ्लो हुआ, चार्ज डेप्रिसिएशन 100,000, इसने प्रॉफिट में बेटा एड बैक होना होता, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज 575। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट अगर इंक्रीज हुए तो कैश क्या हुआ, डिक्रीज। ये बेटा रिवर्सल है, जो माइनस वाला फिगर वो प्लस और जो प्लस वाला वो माइनस, आप करते जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब देखे ना कैश 750,000 था, प्लस उसमें 200 किया, प्लस उसमें 750 किया, माइनस उसमें से 1,000 किया, प्लस उसमें 575 किया, माइनस उसमें से 100 किया, तो
1175, बेटा कैलकुलेशन में गलती हो तो माफ कर देना, इतने जीरो मेरे से टैकल नहीं होते। एनी हो जी, ये रिवर्स होता है कि प्रॉफिट को कन्वर्ट किया होता है कैश में, कैश को रिवर्स मार के हम प्रॉफिट पे चले जाते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन, जब तक कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होगी ये क्वेश्चन आपसे टैकल है नहीं होगा। ठीक, फिर वो कहता है ही इज कैपिटल एट 1 अप्रैल 65,000 सेवन पे, और बट ही इज कैपिटल फॉर 8, यानी ओपनिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग पूछा है आपसे, तो कैपिटल का चाहे अकाउंट बना ले, क्योंकि अर्ली लेवल पे मैंने सिखाया ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि 6500 का और आपसे पूछा कौन सा है क्लोजिंग कैपिटल। ए सोल ट्रेडेड बिजनेस मेड ए प्रॉफिट 32,500 ड्यूरिंग द ईयर, दिस फिगर वाज आफ्टर डिडक्टिंग 100 पर वीक वेजेस पर हिमसेल्फ, कि इसमें से उसने वेजेस लेस की हुई है 32,500 से 100 पर वीक वेजेस। 100 पर वीक बेटा इसका मतलब 100, और साल में वीक कितने होते हैं 52, तो 5200 वेजेस उसने प्रॉफिट में से लेस की हुई है, जो उसने पर हिमसेल्फ अपने आप को, जो अपने आप को बेटा देते हैं वो ड्राइंग होती है, तो 5200 उसने लेस किया है, तो हम उसमें वापस ऐड कर देंगे, तो वो प्रॉफिट होगा 32,500 प्लस 5200, तो वेजेस से पहले प्रॉफिट कितना आया 37। वेजेस नहीं है ये, बेसिकली ड्राइंग है, वेजेस तो बार बार मैं ही नाम ले रहा हूँ, जो अपने आप से के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ करते हैं वो ड्राइंग है। इन एडिशन ही पुट हिज होम टेलीफोन बिल थ्रू द बिजनेस बुक अमाउंटिंग टू 400 प्लस सेल टैक्स 17.5, प्लस का मतलब सेल टैक्स अभी इसमें ऐड होना 17.5, ही इज रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स। अब बेटा 400 उसने ये भी लेस किए हुए हैं, तो ये भी 400 वापस ऐड करो, ये उसकी क्या है ड्राइंग, क्योंकि ये उसने पर्सनल टेलीफोन बिल पे किया, तो बेटा ये भी उसकी ड्राइंग है, और क्योंकि प्लस सेल टैक्स में इसलिए नहीं प्लस कर रहा कि बिजनेस में टैक्स रिकवरेबल होता है, वो एसेट होता है, तो वो एक्सपेंस नहीं होता, इसलिए वो बिजनेस ने पे ही नहीं किया होगा 17.5% टैक्स, उसने सिर्फ 400 पे किया हुआ तो वापस हमने ऐड किया, तो ये 38,100 रियल प्रॉफिट आ रहा है, और ड्राइंग उसकी क्या बन गई 5200, जो ये उसने ड्राइंग की, और 400 जो ये ड्राइंग की, प्लस अप 17.5% उसको टैक्स देना होगा, चाहे बिजनेस अकाउंट से दे, ये 70 रुपये टैक्स है, ये टोटल ड्राइंग उसकी बन गई 5670। अब आ जाए कि प्रॉफिट कैपिटल में 38,100 ऐड करें, ड्राइंग
5673 लेस करें और कोई अमाउंट नहीं है, तो ये 6500 प्लस 38100 माइनस 5673 38930। ये क्वेश्चन बेटा जिस तरीके से मैंने कराया उस तरीके से करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पीछे इसका आंसर ठीक है लेकिन उसको करने का मेथड उनका शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं, कॉन्सेप्चुअल के अकॉर्डिंग एक बात है कि बेटा पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस प्रॉपर से नहीं दिए जा सकते, जितने दिए हैं वो ऐड कर दिए, वापस रिवर्स कर दिए, ठीक। वो ड्राइंग है, उनको ऐड कर दिया तो उनको एज अ ड्राइंग हम ले लेते हैं कि 50 और 40, और 70 क्योंकि टैक्स अब पे उसने करना, पर्सनल एक्सपेंस पे टैक्स रिकवरेबल नहीं होता, तो वो भी उसकी ड्राइंग है के तौर पे बिजनेस अकाउंट से हमने दे दिया, तो ये इसको करें। बट शुड बी फिगर फॉर परचेज, परचेज का फिगर क्या होगा, ट्रेड पेबल का अकाउंट दिया जिसका मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस दिया बेटा उसका टी अकाउंट बनाए बनाए 130 400 ओपनिंग बैलेंस और 171 250 क्लोजिंग, 171 250 क्लोजिंग बैलेंस। पेमेंट इस साइड पे आनी 888 400। कास्ट ऑफ गुड्स टेकन फॉर इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग है, ड्राइंग ने भी आपको पता है कैप कम करना है, तो सॉरी 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 कैप हम इसका अकाउंट बना रहे। पेमेंट टू सप्लायर कास्ट ऑफ गुड्स टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री बाई सांची फॉर पर्सनल यूज, ये जो 1000 की कास्ट है इसने भी लेस करना क्योंकि परचेज तो उसको करनी पड़ेगी, परचेज की है तो सप्लायर को पैसे तो देने हैं, चाहे वो पर्सनल यूज करे या बिजनेस यूज करे, तो अगर उसने ड्राइंग की है तो वो इस अकाउंट में नहीं आएगी, वो कैपिटल अकाउंट को हिट करेगी, कैपिटल में से ड्राइंग लेस होगी। यहाँ पे तो 1000 उसने पर्सनल यूज के लिए है तो सर सप्लायर से तो हम पेबल का अकाउंट बना रहे हैं, चाहे वो हम जहां मर्जी यूज करें पेबल को तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए ड्राइंग कहीं नहीं आएगी। रिफंड रिसीव फ्रॉम सप्लायर 2400, ये कैश सप्लायर को ये रिफंड 2400 उल्टी साइड पे। डिस्काउंट रिसीव 11000 200, तो ये हमारा कितना है 171 250 प्लस 888 400 प्लस 11000 200 माइनस 130 400 माइनस 20 ये 938 समथिंग आता है, 38050 के जो हमने क्रेडिट परचेज किया, फिगर फॉर परचेज। ये जो ना बस इसमें एक ही है कि ये ड्राइंग लिखनी है कि नहीं लिखनी, तो बेटा ये अकाउंट में नहीं आनी। क्यों नहीं आनी, कि सप्लायर से हम क्रेडिट परचेज करें, उस क्रेडिट परचेज को फर्दर हम सेल करें,
या उसको पर्सनल यूज करें, तो ये हमारी पर्सनल हेडेक है। सप्लायर को तो पेमेंट करनी पड़नी पड़नी। फिर व्हाट इज द सेल फिगर? स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 20%। पहले तो ये बनाएं कि सेल लेस कॉस्ट, ये 20 है। ऑन सेल, सेल फिर 100 हुई तो कॉस्ट कितनी हुई? 80। अब देखिए ना, ओपनिंग इन्वेंट्री 243,000 की है, ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेज 595,400 ऐड करते, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। अगर कोई रिटर्न हो 41,200 परचेज, तो वो परचेज में से लेस कर देते थे रिटर्न। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 261,700 की है, ये भी लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री भी। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल हमारी कितनी आई कि 243,000 प्लस 595,400 माइनस 41,200 माइनस 261,700, ये कॉस्ट ऑफ सेल हमारी आएगी 535,500। कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल किसके? 80 के। हमने कन्वर्ट करना सेल में, सेल कितनी है 100, 80 मल्टीप्लाई 100, ये 669,375, कोई मसला नहीं। फिर देखते हैं जी, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सेल फिगर? सेल में क्रेडिट सेल भी होती, कैश सेल भी होती। अल्फा इज सेल ट्रेडर हु डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अल्फा फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल या किसी भी चीज का नील है, जीरो है। फ्रॉम रिव्यूइंग अल्फा बैंक स्टेटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू कैश मेंटेन द फॉलोइंग समरी हैज बीन। बैंक कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर पेड इन टू बैंक, एक्सपेंस पेड आउट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर बिफोर बैंकिंग, कैश सेल इतनी। बेटा पहले तो देखो, रिसीवेबल अकाउंट बनाओ, तू ओपनिंग बैलेंस एग्जामिनर ने गाइड कर दिया कि नील है। क्यों गाइड कर दिया? कि उसने कहा वो बिजनेस न्यूली स्टार्ट है, रिसीवेबल का ओ सॉरी माफ कर दे, रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, वो नील है। फिर वो आगे से शायर हमें छोटी छोटी बातें दे रहे हैं। वो कहता है कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 281,600 और एक्सपेंस पेड आउट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर बिफोर बैंकिंग, बैंक में जमा कराने से पहले
कस्टमर से जो कैश लिया उससे एक्सपेंस 6800 का किया, इसका मतलब हमने ये दोनों कैश रिसीव किए कस्टमर से 281,600, 281,600 प्लस ये हमने यूटिलाइज कर दिया था 6800, तो कैश रिसीव हमारा कितना हुआ 288,400। कैश रिसीव इस साइड पे जाता है 288,400 कैश रिसीव। कैश सेल बेटा कैश सेल रिसीवेबल के अकाउंट में नहीं जाती, इसको सेपरेट लिखेंगे कैश सेल। ये कितनी है 112,900। इरिकवरेबल बैड डेट 7,200, रिसीवेबल में से क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं बैड डेट। क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल जीरो, क्लोजिंग बैलेंस भी जीरो। पहले तो लें क्रेडिट सेल कितनी आई, कि क्रेडिट सेल आई 288,400 प्लस 7,200, तो क्रेडिट सेल आई 295,600। ये क्रेडिट सेल है 295,600, और कैश सेल उसमें ऐड करेंगे 112,900, तो टोटल सेल हमारी आई 408,500, 408,500। दोबारा मुझे चेक करने दें, ओह ये टोटल बेटा गलत हो गए, 280 नहीं 381,600 प्लस 6,800, ये 388 है, 400 प्लस 7,200, ये 395,600 है प्लस 1,958, यानी ये कैलकुलेशन 2 लिख दिया था, इनफैक्ट 3 है। फिर देखें ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग परचेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, सेल फिगर पूछी है, तो कोई नहीं अब तो आप यूज टू हो गए कि ओपनिंग इन्वेंटरी 17,000 है प्लस परचेज 91,000 है लेस क्लोजिंग 24,000 है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई 17 प्लस 91 प्लस 91 माइनस 24, 84,000 की कॉस्ट ऑफ सेल। फिर क्योंकि इस पे प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है मार्जिन 40%, तो क्वेश्चन बनाएं सेल लेस कास्ट प्रॉफिट 40% ऑफ सेल, तो इसका मतलब कास्ट 60। अब हमने सेल फिगर निकालना, हमारे पास कास्ट है, कास्ट को कास्ट की परसेंटेज पे डिवाइड सेल की परसेंटेज से मल्टीप्लाई 84 डिवाइडेड बाई 60, तो 1,40,000 ये सेल फिगर 140,000।
इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय, वो ही डबल कास्ट ऑफ सेल चाहिए, डबल कास्ट ऑफ सेल। पहले भी दो क्वेश्चन किए कि एक तरफ से इन्वेंट्री परचेज भी 28,400 की, परचेज 49,600 की, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज। अच्छा ऑन 31 द इन्वेंट्री ऑफ अ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी जीरो की, तो यहां से कास्ट ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय है ना, जीरो। 28,400 प्लस 49,600, ये कास्ट ऑफ सेल आती 78,000। दूसरी तरफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वो क्वेश्चन बनाए सेल लेस कास्ट प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट है सेल का, सेल इसका मतलब 100, तो कास्ट कितनी 70। तो बेटा सेल फिगर दिया है 68,4800, सेल की परसेंटेज कितनी है 100 मल्टीप्लाई कास्ट, क्योंकि मैंने कहा था इन्वेंट्री लॉस होगी तो दो कास्ट चाहिए, एक इस तरीके से ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरी सेल की प्रोजेक्शन लगा के परसेंट लगा के। 64,800 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 45,360, तो इन दोनों कास्ट ऑफ सेल का डिफरेंस 78,000 डिफरेंस 32,640 आता है, 32,640 ये लॉस है। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन व्हाट वाज द ट्रेडेड सेल फिगर, वही ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ओपनिंग 38,000 है, परचेज 637,000 है, ये ऐड हो जाने, क्लोजिंग 45,000 है, तो 38 प्लस 637 माइनस 45, तो ये 630,000 की कास्ट ऑफ सेल। फिर वही सेल लेस कास्ट प्रॉफिट, तो जब भी मार्कअप दिया 30% ग्रॉस परसेंटेज ऑन सेल 30, ये 30 है तो सेल बेस है 100 है, तो दरमियान में कास्ट 70, 630,000 70 के बराबर है, हमने सेल फिगर निकालनी वो 100 है, कि 630 को 0.7 से डिवाइड तो 900,000 आ जाएगा। फिर नेट एसेट कैपिटल को भी कहते हैं, ड्राइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस नेट एसेट प्रॉफिट पूछा क्या प्रॉफिट, तो कैपिटल का अकाउंट बनाया है ना बेटा, नेट एसेट 210 के ओपनिंग, ड्राइंग है 48, ड्राइंग ने लेस होना होता अपोजिट साइड पे, कैपिटल इंट्रोड्यूस 1,00,000 का उसने ऐड होना होता सेम साइड पे, नेट एसेट क्लोजिंग 400,000 के उसने अपोजिट साइड पे,
तो ये 400,000, 448,000 ये आ गया, और 310 इसमें से लेफ्ट किया तो 138,000 बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे स्टैंड कर गया। बाकी बातें इंशाल्लाह आपसे होती जाएंगी, अभी के लिए अल्लाह।